you okay. नमस्कार रात के नौ बज चुके हैं सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है सत्यमेव जयते जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है क्योंकि सत्य एक व्यक्ति का वो अमोघ अस्त्र है वो शक्ति है वो ताकत है जिसमें अगर वो उसको जिसको लेकर अगर वो आगे बढ़ता है तो वो हमेशा जीतता है हमेशा जीत, जीत जो है वो सच की होती है जीत सच की इसलिए होती है क्योंकि सच को हजारों साल से अजमाया जाता रहा है लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता है और अगर झूठ की बात करें तो उसका कभी कोई इम्तहा नहीं होता लेकिन वो हमेशा मुँह लटकाया दिखता है मुँह लटकाया इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर ना आत्मगौरव है ना आत्मसम्मान है ना ही वो शक्ति है जिसके जिसमें वो सच से आंख से आंख मिलाकर बात कर सके तो सत्य में विजय में हमारी कोशिश भी यही है कि हम बात करें सच की तमाम लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि आज की दुनिया में ताकत वर की जीत होती है सत्य की जीत नहीं होती लेकिन ये गलत है क्योंकि ये वो लोग कहते हैं जो सिर्फ अक्ष पर इतराते हैं ताकतें शायद उनके पास हो सकती हैं लेकिन ऊपर वाला खुदा जिनके साथ होता है उनके साथ सच होता है और किसी शायर ने कहा है कि अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है और ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है तो इसी तरह से सच भी होता है सच जिसके पास होता है उसके साथ ऊपर वाला होता है उसके साथ ये ज़मीन होती है उसके साथ ये आसमान होता है उसके साथ ये कायनात होती है उसके साथ ये प्रकृति होती है और उसके साथ वो ताकत होती है जो उसको एक हुजूम खड़ा करने से रोक नहीं पाती हम आप सब इस देश में रह रहे हैं ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ सच के जरिए हमें आज़ादी मिली गांधी जी ने कोई लाठी कोई डंडा कोई हथियार नहीं उठाया लेकिन उन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया सिर्फ सच की ताकत के चलते देश में शराबी पुलिस वाले जनता में गिरा रहे हैं वर्दी की साख कहीं नालों में लौटते तो कहीं लोगों के घरों में घुसकर करते हैं उत्पाद बड़ा सवाल जिन्हें अपना होश नहीं वो कैसे करेंगे हमारी हिफाजत कमल हसन का घटिया बयान कहा हिंदू आतंकवाद का वजूद है हम हिंदू मुस्लिम आतंकवाद से लड़ रहे हैं वहीं देश के नंबर वन दुश्मन आतंकी अजहर मसूद को चीन का बिटोल लगाकर बचा रहा है इस पर क्यों जुबा नहीं खुलती हसन शराबी पुलिस सत्यमेव जयते में सबसे पहले हम इस बात का कर जिक्र करेंगे शराबी पुलिस जिनके कंधों पर सत्य और न्याय की रक्षा की जिम्मेदारी है जी हाँ आपने सही समझा हम बात कर रहे हैं उन पुलिस वालों की जो अक्सर आपको लड़खड़ाते हुए झूमते हुए दिख जाते हैं सड़कों पर दरअसल पुलिस की लगातार गिरती साख का, का कारण इसके कारण ही है जिस वजह से हम आप सोचते हैं कि क्या यही पुलिस है क्या आपकी हिफाजत का जिम्मा इन्हीं पर है वो अपनी हिफाजत ही नहीं कर पा रहे हैं आपको भी कभी न कभी ऐसे नशे में धुत पुलिस वाले ज़रूर दिखे होंगे जो जो अपनी कारस्तानी से कभी नाली में लोटे नज़र आते हैं तो कभी सड़क पर गिरे हुए दिखेंगे उन्होंने एक ऐसा अपना मुकाम बना लिया है कि लोगों के हंसी का पात्र बन गए हैं ये मामला बेहद गंभीर है असल असल में जिन पुलिस वालों के ऊपर ज़िम्मेदारी है अपराध नियंत्रण की और समाज की हिफाजत की जिम्मेदारी है वो गैर जिम्मेदार होंगे तो कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा और किसे दी जाएगी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी एक बार इस पुलिस वाले को देखिए गौर से देखिए और सोचिए कि पुलिस वालों की इज्जत कहाँ जा रही है आप देखिए एक तरह से ये देखिए किस तरह की हरकत ये कर रहा है और क्या पूरा संदेश जा रहा होगा राह चल रही है सड़क चल रही है और इस तरह की हरकत ये भी वर्दी में लोग आते जाते देखते होंगे और सोचते होंगे क्या यही पुलिस है ये एक ऐसी तस्वीर है ये एक ऐसी खराब सी तस्वीर है कि उसको देखकर हमें लगता है कि अपराधी और पुलिस में क्या अंतर रह गया ये देखिए आप God तो आपने देखा कि किस तरह से ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं ठीक से और कानून को खड़ा करने की कानून को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऐसे ही पुलिस वालों की है और आप समझ सकते हैं कि जब ये खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते तो फिर समाज को किस तरह से खड़ा करेंगे और अपराधियों को किस तरह से ये सीधा करेंगे जब खुद ही सीधे नहीं हो पा रहे हैं इनको देखकर गाने तो वही याद आते हैं कि थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है लेकिन चोरी आपने नहीं की होगी अपने पैसे की पी होगी लेकिन आपने पुलिस वालों की जो इज्जत है वो तार तार जरूर कर दी आपने उन लोगों की इज्जत तार तार कर दी और समाज में एक ऐसा मैसेज दिया है कि आपके और वो अपराधी उसके अंदर कोई बीच में अंतर नहीं रह गया है तो अब जब अंतर रह नहीं गया अपराधी और पुलिस वाले के बीच में तो फिर आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से चले अच्छे से हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें और हम लोग इस इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वाराणसी की अगर बात करें वाराणसी में लखनऊ की बात करें या फिर मथुरा की बात करें तो इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा घटनाएं हैं कि हमें घटना बताते बताते शायद पूरा दिन और पूरी रात बीत जाए लेकिन ये घटना इसलिए बता रहे हैं कि आप गंभीरता को समझें वाराणसी में नशे में पुलिस वाले ने पति पत्नी से अभद्रता की लोगों ने शराबी पुलिस वाले को जमकर पीटा था ये वाराणसी की खबर है और ये पुलिस वाला उसकी पत्नी को परेशान कर रहा था शामली को 16 मार्च 2017 में शामली पुलिस की गाड़ी पर पुलिस वालों ने शराब पी और डायल हंड्रेड पर तैनात दो सिपाहियों ने पोती काले इन पे। और इन्होंने हाईवे पर जमकर हंगामा भी किया अलीगढ़ में भी इस तरह की घटना हुई नशे में धुत था पुलिसकर्मी उसने सड़क पर ही फायरिंग शुरू कर दी इसमें तो कोई बच गया ये तो भगवान की बहुत ही कृपा रही कि कोई बच गया लेकिन उन्होंने किसी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कांस्टेबल प्रवीण कुमार की करतूत थी शादियों के साथियों के साथ शराब पी के विवाद के बाद भी फायरिंग की दिल्ली में भी इस तरह की घटना हुई उत्तर प्रदेश अचूता नहीं है मतलब दिल्ली भी अछूती नहीं है उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है आंध्रा भी अछूता नहीं है ये एक बीमारी सी है जो पुलिस वालों के घर कर गई है नशे में धुत दिल्ली पुलिस के सिपाही ने मासूम को कार से रौन दिया था उसके बाद बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही महिला को भी गंभीर चोट आ गई थी आप देख सकते हैं कि इस हाल में किस तरह से किस तरह से खतरे की जो स्थितियां हैं उनसे ये निपटेंगे किस तरह से ये लोग निपटेंगे इन तस्वीरों में आप देखिए ये देखिए पुलिस वाला लड़खड़ा रहा है लोग उसके गिरेबान में हाथ डाले हैं यह कहा जाता था कि कानून के गिरेबान पे हाथ डालना आसान काम नहीं है तमाम हमने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो कहता है कि अभी आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कानून की गिरेबान पे हाथ डाल दें लेकिन यहाँ गिरेबान पे भी हाथ डाल रहे हैं और फिर उसके बाद ये तस्वीर देखिए आप इस तस्वीर में शर्म लगेगी मुझे लगता है पुलिस वालों को खुद जो कि अच्छी तरह से ड्यूटी करते हैं लेकिन ये ये जो तस्वीर है ये लग रहा है कि कोई रंगमंच का कलाकार है पुलिस वाला नहीं है ये ये रंगमंच का कलाकार है और ये एक्टिंग कर रहा है क्योंकि यकीन करना मुश्किल है कि पुलिस वाला भी इस बेहूदगी पुतर आएगा कि वो सड़क पर खुलेआम मजनूगिरी करने लगेगा एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है लेकिन ये खुद ही रोमियो बन चुका है और रोमियो बनने के बाद इस तरह की अश्लील हरकत कर रहा है और ये पुलिस वाला तो कता और ये वाले ये तस्वीर आप देखिए ये शर्मिंदा कर देने वाली तस्वीर है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर है ये इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई की गई होगी लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शामली की तस्वीर है जिसमें पुलिस वाले नाच रहे हैं नाचने का इतना शौक था तो आपको या तो नौटंकी में शामिल हो जाना चाहिए था या फिर फिल्मों में चले जाना चाहिए था लेकिन इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी ये खुलेआम खुले आम ये शराब पी रहे हैं और खुलेआम जब ये शराब पी रहे हैं तो इनको किस चीज़ का डर है यानी कि इनको किसी चीज़ का डर नहीं है ये नाच खुले आम रहे हैं शराब खुले आम पी रहे हैं तो ये खुले आम लोगों को किस तरह से परेशान कर सकते होंगे और इनको क्या पुलिस में रहने का हक रह गया है इस तरह की हरकतें करने के बाद तो अब जब इस तरह की स्थिति अगर पैदा हो जाती है तो होता क्या है कि समाज में बच्चे से लेकर बड़ा तक देखता है कि आखिरकार ये पुलिस वाला कर क्या रहा है पुलिस वाला जब इस तरह की इस तरह की घटनाएं करता है तो फिर कानून से लोगों का डर हटने लगता है अगर संभावनाओं की बात करें तो बैंक लूट जैसी घटना हुई तो ये ये इस तरह के नशेड़ी पुलिस वाले जो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो कैसे रोकेंगे सांप्रदायिक दंगे की स्थिति में इन नशेड़ी पुलिस वालों के भरोसे अगर रहेंगे तो आप जनता तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर पाएगी किसी की किडनैपिंग हुई अब जिन्हें अपना होश नहीं है तो वो आपका क्या ख्याल रखेंगे और अब आप तस्वीर देखिए आप इन नशेड़ियों के कारण सार्वजनिक स्थान पे जो दूसरे हुड़दंग कर रहे हैं वो तो हुड़दंग क्या करेंगे ये खुद ही एक हुड़दंग का सेंटर बन जाते हैं और कहते ना। अगर अगर कोई बस को पकड़ा बस को कोई अपराधी अपनी गिरफ्त में ले ले या हाईजैक हो जाए तो अगर इसी तरह की स्थिति रही तो नशे में दूत पुलिस वाले ये क्या करेंगे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन बंधक बनाया गया तो ये क्या करेंगे इन पुलिस वालों के भरोसे हम घरों पे चैन से सो सकेंगे क्या हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि जब हम देखते हैं कि पुलिस वाले शराब पीते हैं और शराब पी के हुड़दंग मचाते हैं तो ऐसे में समाज पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है और असर ये पड़ता है कि इन पुलिस वालों पर कितना भरोसा किया जाए हम लोग लिखते हैं मित्र पुलिस आपके साथ हमेशा लेकिन आपके साथ हमेशा में ये जब तस्वीरें दिखती हैं तो ये बड़ी खतरनाक तस्वीरें हैं और सत्यमेव जाते के जरिए मैं डीजीपी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेशों के डीजीपी उनसे कहना ये चाहूंगा और मांग मेरी ये रहेगी कि इनको बर्खास्त किया जाए ऐसे पुलिस वालों को एक एक क्षण भी पुलिस वाले को इस फोर्स में रहने का हक नहीं है क्योंकि आप शराब कैसे पी सकते हैं यानी कि आप अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह हैं और आप पूरे पुलिस के महकमे को आप बदनाम कर रहे हैं पूरा का पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है जैसा मैं जिक्र कर रहा था एक बच्चा देखेगा और वो देखते देखते बड़ा होगा तो उसको लगेगा कि उनके पड़ोस में एक अपराधी है गैंगस्टर है वो भी शराब पी के नाली में गिर पड़ता है पुलिस वाला भी नाली में शराब पी के गिर पड़ता है तो दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर कुछ नहीं है इसलिए एक कड़ा कानून बनाने बनाए जाने की जरूरत है और अगर कड़ा कानून नहीं बनाएंगे तो इसका जो एक मोरल पुलिसिंग की हम बात करते हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा तो इसलिए आज इस सत्यमेव जाते के जरिए मैं ये गुजारिश करूंगा शासन से प्रशासन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अगर कोई पुलिस वाला इस तरह की घटिया हरकत करते दिखे तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कमल हसन फिल्मों से राजनीति में आने का संकेत दे चुके हैं और जब फिल्मों से राजनीति में आने का वो संकेत दे चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ तो चाहिए ही जिससे वो हिट हो जाए और अगर वो हिट नहीं होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा काम ऐसे चलेगा कि उन्होंने आप अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके ज़रिए वो कह रहे हैं कि दक्षिण पंथी राजनीति करने वालों पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमल हसन ने कहा कि पहले दक्षिणपंथी हिंदू लोग हिंसा में शामिल नहीं होते थे वो अपने विरोधियों को तर्कों पर विरोध करते थे शास्त्रार्थ करते थे लेकिन ये पुरानी रणनीति हार गई है और अब वो जो करते हैं उसमें बल प्रयोग होता है हसन ने कहा कि अब उन्होंने हिंसा फैलाना शुरू कर दिया है कमल हसन ने कहा कि हिंदू आतंकवाद की बात कहने वाले लोगों को दक्षिणपंथी चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू आतंक हिंदू कैंप में भी पहुंच गया है इस तरह की आतंकी गतिविधियां उन्हें किसी तरह की मदद नहीं करने वाली हैं तो आपने आपने ये बयान सुना कमल हसन का और ये शर्मिंदा कर देने वाला बयान है और ये घटिया बयान है क्योंकि इससे उनकी घटिया सोच का पता चलता है और घटिया सोच इसलिए क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता आप खुद जानते होंगे कि पूरे विश्व में एक मजहब विशेष के के ऊपर सबसे ज़्यादा उंगली उठाई जाती है लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम हमेशा यही कहते आए हैं कि नहीं अगर जो आतंकवादी है वो मानवता के ख़िलाफ़ है और जो मानवता के ख़िलाफ़ है उसका कोई भी धर्म नहीं हो सकता क्योंकि कि किसी भी धर्म ने किसी भी निर्दोष को मारने को नहीं कहा है चाहे हज़रत अली हों हज़रत पैगंबर हों या फिर हमारे जितने भी देवी देवता हों या कहें कृष्ण राम ये सब अधर्म को हटाने के लिए आए थे और उन्होंने उस अधर्म को हटाया भी लेकिन कमल हासन को ये बात नहीं समझ में आती उन्होंने फ़ौरन एक बयान दे दिया क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में जाना है और उनकी आने वाली फिल्में हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया जाए जिससे वो सुर्खियों में आ जाए हमारा मकसद कमल हसन को सुर्खियों में लाना नहीं है बल्कि उनकी आंखें खोलना है उनको बताना है कि आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द न्याय ही घटिया है आपकी सोच घटिया है और आपका सोचना भी घटिया है कि आप इस तरह के बयान देकर लोगों के पास लोगों के मन तक पहुंच जाएंगे ये अलग बात है कि अगर वो आतंकवाद की बात करते तो सही था लेकिन वो कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है कमल हसन ये बताएंगे कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है छब्बीस ग्यारह का हमला अगर उन्होंने देखा होगा तो उसमें हिंदू भी मरे थे और मुसलमान भी मरे थे वो देश के नागरिक थे वो बस हिंदुस्तानी थे तो क्या कोई आतंकवादी जब इस तरह की घटना करता है तो वो देखता है इस देश के अंदर की, इस इस जगह बम प्लांट किया उसमें कितने हिंदू मरेंगे कितने मुसलमान मरेंगे लेकिन आपने बहुत ही बेशर्मी से ये बयान दे दिया कि हिंदू आतंकवाद अब पनप रहा है अक्सर फिल्मी सितारे अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले ऐसे ही विवादों को जन्म देते हैं पहले ये होता था कि फिल्मी सितारे आपस के झगड़ों को विवाद बनाते थे अब वो ऐसे मुद्दे छूते हैं जिससे जनता की भावनाएं जुड़ी हैं और धर्म सबसे आसान मुद्दा है ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ऐसा ही कुछ हुआ था जुलाई के महीने में जब तमिल फिल्म विवेगम रिलीज होने के के आसपास थी तैयार थी और ये वो आप देख रहे हैं ये वो फिल्म थी जिसमें कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन नायिका के तौर पर तमिल फिल्मों के डेब्यू कर रही थी और रिलीज से पहले कमल हसन ने अपनी बेटी को ट्वीट करके पूछा अक्षु क्या तुमने धर्म बदल लिया है तुमने ऐसा किया भी है तो तुम्हें ढेर सारा प्यार धर्म के उलट प्यार में कोई शर्त नहीं होती जिंदगी ज़िंदगी मजे के मजे लो प्रेम तुम्हारा बापू और इसके जवाब में अक्षरा ने कहा कि तो आपने आपने देखा कि किस तरह से ये जो ट्वीट किया गया ये ट्वीट जब किए गए तो ट्वीट में ये कहा गया कि अक्षु क्या तुमने धर्म बदला है अगर तुमने ऐसा किया भी है तो तुम्हें ढेर सारा प्यार धर्म के उलट प्यार में कोई शर्त नहीं होती तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के बयान कमल हसन दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि जब फिल्म रिलीज़ होती है तो इस तरह के बयान होते हैं जिस तरह के बयान आप अभी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं उन्होंने कहा हाँ, हाँ बापू मैं तो नास्तिक हूँ और निजी रास्ते पर हूँ मैं भी नास्तिक हूँ लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार मैं चल रही हूँ ये अक्षर हसन ने कहा तो इस तरह के ये कंट्रोवर्शियल मुद्दे कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते हैं आप सोचिए क्या ये देश ऐसा देश है कि उसमें माँ बाप को इस, इस ट्विटर की जग, की ज़रूरत पड़ गई इस ट्विटर की ज़रूरत पड़ गई कि आपस में बेटी और बाप बात कर रहे हैं तो आप ट्विटर के जरिए बात करेंगे ये बात घर के अंदर भी हो सकती है लेकिन आपको लगता है कि आपको लगता है कि नहीं हमें ट्विटर के जरिए बात करनी है ट्विटर के ज़रिए इसलिए बात करनी है क्योंकि पब्लिक ये सुनेगी कि क्या बात हो गई पब्लिक को बताना है कि मा बेटी और बाप किस तरह से बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे पब्लिसिटी स्टंट पब्लिसिटी का इश्यू है जिसको हर चीज को भुनाना चाहते हैं ये अब आप सुनिए कि ये जो कमल हासन ने आज का जो बयान दिया है वो ऐसा क्यों बयान दिया है एक कारण और भी है कि वो लेफ्ट पार्टियों की तरफ थोड़ा झुकते दिख रहे हैं केरल में वामपत्ति सरकार की तारीफ की उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा से निपटने की तारीफ की संघ बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या का और बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं तमिलनाडु में ए आई के सरकार की आलोचना की ये साफ साफ बता रहे हैं कि कमल हसन किस तरह से आ, किस तरह से लेफ्ट पार्टी की तरफ अपना झुकाव है और वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं सात नवंबर को कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक लंबी पारी खेल ली है अब उनकी ज़रूरत यह है कि वो पॉलिटिक्स में जाएं और वहां पर अपनी एक नई पारी खेलें लेकिन देश को बांटने की उस पर नहीं लेकिन होता क्या है कि जब आपके खुद के जो पर्सनल स्वार्थ हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं तो उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि वो देश को बांटें और ये भी माना जा रहा है कि वो केजरीवाल से मिल सकते हैं और दक्षिण में विपक्ष का मुख्य चेहरा बन सकते हैं तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वो बयान बहुत ही घटिया है उसको घटिया इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आतंकवाद का चेहरा सिर्फ एक ही होता है और आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है ये उनको बताना पड़ेगा ये उनको समझाना पड़ेगा क्योंकि जब वो फिल्में करते हैं तो फिल्मों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते तो देश प्रेम क्योंकि देश प्रेम अगर वो नहीं बताएंगे तो उनकी फिल्मों को यहां का 125 130 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो नहीं देखेगा वहां तो आपकी भाषा कुछ और होती है यहां इसलिए कुछ और है क्योंकि आप कंट्रोवर्सी में पढ़कर अपना नाम कमाना चाहते हैं और कमल हसन शायद ये भूल गए कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं हम हम एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं और आप आतंकवाद को एक धर्म के साथ जोड़ रहे हैं तो आप को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड इन आतंकी संगठनों से परेशान है लेकिन जो कमल हसन है उनको तो हिंदू आतंकवाद दिखता है मैं आपको अभी दिखा रहा हूं टॉप टेन आतंकी संगठन आप देखिए अलकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है ये बोकोहरम जिसकी जिसने इस तरह का नरसंहार किया है कि शायद शायद कभी भी ये भूला नहीं जा सकेगा हमास फलस्तीन का ये आतंकी संगठन है हमास कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी इराक रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस कोलंबिया तो आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप टेन आतंकी संगठन है मैं जिसे ओर इशारा कर रहा हूं क्या इन आतंकी संगठनों को किसी मजहब के साथ जोड़कर देखा जाए नहीं हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि आतंकवाद का दंश हमें पता है कमल हसन ने शायद ना ही अयोध्या का आतंकी हमला देखा होगा ना छब्बीस ग्यारह देखा होगा ना ही श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट होगा नहीं देखा होगा उसने क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आतंकवाद से जो पीड़ित तो लोग होते हैं उनका दर्द क्या होता है बस उन्हें तो राजनीति करनी है और इस तरह के बयान देने हैं शायद ये बयान उनको कोर्ट तक ले जाए लेकिन ये बात कमल हसन और उनके जैसे लोगों को हमेशा याद रखनी होगी कि आपको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा इसलिए माफ़ नहीं करेगा क्योंकि आप जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो देश को तोड़ने की बात करते हैं आप देश को तोड़ने की बात करते हैं और अगर कहीं कोई उग्रपंथी संगठन है तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं वो बढ़ावा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपको सिर्फ आप इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि सिर्फ आप ये चाहते हैं कि आपकी जो राजनीतिक रोटी है वो ठीक से सेकी जाए जो आपकी फिल्में आने वाली हैं उसको बहुत देखा जाए तो आपको शर्म करनी चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है वरना जिस तरह की भाषा जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उसके बाद तो आपको देश में रहने का हक ही भी नहीं है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है खैर सदबुद्धि दे कमल हसन को ऊपर वाला एक तरफ तो जहाँ लोग हिंदू मुस्लिम में अंतर देख रहे हैं वहीं फिल्मी पर्दे पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता और अखंडता के बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जाते हैं लेकिन उन्हें इंसानियत और एकता और अखंडता से कोई लेना देना नहीं होता उन्हें सिर्फ मतलब होता है अपने फायदे से लेकिन इस बनावटी हीरोज़ के अलग कुछ लोग हमारे बीच भी हैं जो हैं असली हमारे रियल हीरोज जहां आतंकवाद को हिंदू आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद का रूप दिया जा रहा है वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चोचलेबाजियों से बहुत ऊपर दिखाई देते हैं वो सिर्फ इंसानियत को जानते हैं उन्हें धर्म संप्रदाय जातिवाद इन सब से कोई मतलब नहीं हम बात कर रहे हैं फैजाबाद के मोहम्मद शरीफ और शरीफ चचा की पचहत्तर से ज्यादा देख चुके शरीफ चचा को देख कर यूं लगता है कि जैसे उन्हें सिर्फ दूसरों के लिए ही बनाया गया है पेशे से साइकिल की मरम्मत का, का काम करने वाले शरीफ चचा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं और वो भी पिछले 25 सालों से लगातार 25 साल से मैं करता आया अब लोगों की इतनी वो हो गई है कि चार रक्से हो गए एक एम्बुलेंस हो गई है घाट अलग बन गया है और उसके बाद जलाने के लिए घाट बन गया मगर शासन ने आज तक मुझको एक पैसा नहीं दिया सत्कार ने और साथ यहाँ हिंदू मुसलमानों ने हमारे लिए जान टेक दिया है कि जितना भी पैसा खर्चा होएगा हम खर्चा करेंगे तुम करते रहो दरअसल करीब 30 साल पहले शरीफ चचा का 22 साल का बेटा मोहम्मद रईस लापता हो गया बहुत ढूंढा लेकिन उसकी कोई खबर न मिली एक महीने बाद सुल्तानपुर जिले में रेलवे लाइन के किनारे एक लाश पड़ी मिली जो किसी और की लाश नहीं बल्कि चचा शरीफ के बेटे रईस की थी जिसे वहां की पुलिस ने लावारिस समझकर दफना दिया था अपने बेटे का क्रियाकर्म न कर पाने की पीड़ा ने इन्हें इस कदर झकझोर दिया कि उस दिन के बाद से किसी के भी बेटे को लावारिस न दफन होने देने की कसम ही खा ली बच्चा है ये अब से 25 साल पहले सुल्तानपुर गया था किसी काम से और वो किसी ने वहाँ मार के फेंक दिया तो मैं एक महीने तक ढूंढता रहा ढूंढते-ढूंढते फिर मैंने रिपोर्ट दिखाई थी एक बार एक में नहीं पढ़ा फिर तो थाना इंचार्ज पीरू टेलर शंभू मार्केट में उसकी बूसट बनती थी उसका लेबल लगा हुआ था तो एक महीने के बाद पीरू मार्केट शंभू मार्केट में पीरू टेलर ले के यहाँ बूसट लेकर थाना इंचार्ज सुल्तानपुर के लेके आया कि बूसट को पहचानते हो किसकी है तो थुझा शहर में खबर थी कि इनका लड़का तो उसने कहा हाँ ये मोहम्मद शरीफ समीर शरीफ का है ये इनका लड़का कैरो से ढूंढ है तो फिर वो हमारा ल, 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 लड़का सुल्तानपुर गया है कि फैजाबाद के अंदर मेरे लिए न कोई हिंदू है न मुसलमान मैं किसी की लाश को लावारिस फेंकने न दूंगा और मैंने जब से एक ढेरा उठाया है और जब तक जिंदा रहूँगा जब तक एक कायम रखूंगा दर्द जब हद से गुजरता है तो मिसाल बन जाता है कुछ ऐसा ही हुआ मोहम्मद शरीफ के साथ उनका खुद का बेटा लाबारिसों की तरह दुनिया से रुखसत हो गया और वो तब का दिन है और आज का दिन मोहम्मद शरीफ हर उस लाबारिस के वारिस बन गए इस सब से इतर कि वो किस धर्म का है किस जाति का है और किस मजहब का है इसीलिए उनको एक नई पहचान मिली वो है लावारिसों का वारिस संजीव आजाद भारत समाचार फैजाबाद कमल हसन आपको फैजाबाद आना होगा और फैजाबाद आने के बाद आपको देखना होगा कि इंसानियत क्या होती है और इंसानियत हिंदू या मुसलमान नहीं देखती इसी तरह से आतंकवाद आतंकवाद होता है इसका कोई धर्म नहीं होता तो थोड़ा सोचिए सोच के बोलिए ये देश विविधता में एकता का देश है और उसके साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आपको सदियां नहीं आपको अरबों साल लग जाएंगे इस देश को तोड़ने की साजिश रचने की अगर आपकी नीयत है तो तुम भी करते हैं कि आप आगे से इस तरह का बयान नहीं देंगे और अगर आप बयान देंगे तो उसका माकूल जवाब हिंदुस्तान की जनता को देना आता है क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है फिर हम इसी भाषा में आपसे बात करेंगे क्योंकि हम अपने देश को नहीं तोड़ सकते और तोड़ने वालों को माकूल जवाब देना हमें आता है सत्यमेव जाते के लिए आज इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त और अगर आप अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे एड्रेसेस पे मुझे फीडबैक दे सकते हैं और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा मुद्दा हमें उठाना चाहिए नमस्कार